तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था YouTube मैनोमीटर के बारे में। उसमें हमने देखा था कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शन पे, तो जो मैनोमेट्रिक फ्लूड है वो राइज या फॉल कर रहा था लिम्स के अंदर। अब इन्हीं फिनोमिनन्स को हमने अप्लाई किया इस वाले सिंपल मैनोमीटर में भी। हमने क्या किया, एक रिजर्वायर लिया और उस रिजर्वायर के साथ एक ट्यूब अटैच कर दी उसके बॉटम पे, कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये जो रिजर्वायर था ये पहले से फिल्ड था इस हाइट तक। सपोज करते हैं ये हाइट जो है ये है एच हाइट, ठीक है, ये बिल्कुल फिल्ड है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, वाटर, मर्क्यूरी, ऑयल, कुछ भी हो सकता है। अब इतना मुझे पता है कि अगर जो बॉटम में मुझे प्रेशर देखना हो तो मैं सीधा लगाऊंगा फॉर्मूला पी इज इक्वल टू रो जी एच, राइट। अब मेरे को बॉटम में यहाँ पे प्रेशर देखना था तो मैंने फॉर्मूला लगाया पी इज इक्वल टू रो जी एच। मैंने क्या किया, मैंने बॉटम में एक होल किया और एक ट्यूब अटैच कर दी। जैसे ही मैंने ट्यूब अटैच करी मैंने देखा कि जो फ्लूड है वो यहाँ से फटाफट निकलने लग गया है और इस ट्यूब में भरने लग गया है, और जैसे जैसे वो भरा तो वो एक हाइट तक रीच कर गया। और वहाँ पे मुझे एक और कॉमन चीज़ देखने को मिली कि जो हाइट थी वो सेम थी जितनी हाइट का लिक्विड इस वाले रिजर्वायर में था। यहाँ से मुझे ये पता चला कि ये लिक्विड जो है तब तक राइज करेगा जब तक इस ट्यूब के बॉटम का जो प्रेशर है वो इस रिजर्वायर के बॉटम के प्रेशर के इक्वल ना हो जाए। और वो कब इक्वल होगा, जब हमारा जो लिक्विड है वो सेम हाइट पे रीच करेगा जिस हाइट पे जो लिक्विड है वो रिजर्वायर में है, दैट इज सेम हाइट एच। तभी तो हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू रो जी एच। इसका मतलब मैं एक ट्यूब अगर किसी पॉइंट पे लगा दूं तो जो उसके अंदर हाइट आएगी उस लिक्विड की वो मुझे प्रेशर बता देगी। यहाँ से मैंने ये सीखा। अब मैंने क्या किया कि इसी ट्यूब को एक पाइप के क्रॉस सेक्शन पे लगाया। सपोज कीजिए ये जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है मेरे पाइप का। अब जो भी प्रेशर होगा इस रीजन का वो रिफ्लेक्ट करेगा इस ट्यूब में, कैसे, कि जैसे ही जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा इंक्रीज होगा तो जो लिक्विड है वो राइज करना शुरू कर देगा और एक सफिशियंट हाइट तक रीच कर देगा जहाँ पे जो इस पाइप का प्रेशर है और इस ट्यूब का जो प्रेशर है वो इक्वल ना हो जाए, जब तक इक्विलिब्रियम की कंडीशन ना आ जाए। जब तक इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आएगी तब तक ये राइज करता ही जाएगा। और अगर क्रॉस सेक्शन व्यू में देखें तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसकी हाइट हम नोट कर लेंगे h और यहाँ पे सेक्शन का प्रेशर निकाल देंगे, दैट इज p इज इक्वल टू रो जी एच। बस इतना सिंपल था ये। और इस ट्यूब को हम कहते हैं पीजोमीटर। तो ये एक एग्जाम्पल है सिंपल मैनोमीटर का, क्योंकि ये भी उसी पॉइंट पे प्रेशर बताता है जहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल किया होता है, जैसे कि एक सिंपल मैनोमीटर का काम होता है। अब इसकी सिंप्लिसिटी के साथ साथ इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहले तो ये जो ट्यूब है इसका जो डायमीटर है ये सफिशियंट होना चाहिए। अगर ज़्यादा पतली ट्यूब हुई तो कैपिलैरिटी के चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो रीडिंग है वो हमें सही नहीं मिलेगी। दूसरी बात कि इस ट्यूब में गैसेस का प्रेशर नहीं मेजर हो सकता, क्योंकि गैसेस के जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएंगे तो गैसेस तो जो हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी, तो फिर आप कौन सी हाइट नापोगे, आपको हाइट ही नहीं मिलेगी। तीसरी बात कि अगर पाइप का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है तब भी जो फ्लूड है वो बाहर स्पिल आउट करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये जो ट्यूब्स होती हैं ये कोई हम बहुत बड़ी बड़ी तो नहीं लेते कि 4 मीटर की 5 मीटर की या उससे भी बड़ी, मतलब हम छोटी ट्यूब्स लेके चलते हैं। अब उन छोटी ट्यूब्स में जो फ्लूड है उसकी राइज डिपेंड करती है उसकी डेंसिटी पे भी। अब मर्क्यूरी अगर फ्लो कर रहा होगा तो फिर हम छोटी सी ट्यूब को भी काम में ले सकते हैं, लेकिन अगर वाटर होगा और हाई प्रेशर पे फ्लो कर रहा होगा तो फिर ये ट्यूब्स जो हैं वो फेल कर जाएंगी, तब हम इन ट्यूब्स को काम में नहीं लेते क्योंकि जो वाटर है वो स्पिल आउट करना शुरू हो जाएगा। तो ये इसके 3 बड़े ड्रॉबैक्स हैं। जो हमारा थर्ड टाइप है सिंपल मैनोमीटर्स का वो है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ये जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर हैं ये सिंपली YouTube मैनोमीटर्स की तरह ही काम करते हैं, लेकिन इनके एक लिम में एक रिजर्वायर अटैच होता है। सपोज करते हैं कि ये ट्यूब है इसका एरिया होगा स्मॉल a और ये जो रिजर्वायर है इसका होगा लार्ज a। तो जो इन रिजर्वायर का एरियाज होता है ये इनके ट्यूब के एरिया से कम 100 से लेके 500 गुना से भी ज़्यादा होता है। अब इसकी जो वर्किंग है वो बहुत ही सिंपल है। हमने इस सिंगल कॉलम मैनोमीटर को इस पाइप से अटैच किया हुआ है जिसका ये क्रॉस सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। इस क्रॉस सेक्शन का नाम देता हूँ मैं कोई जेड। यहाँ से जो फ्लूड आ रहा होगा वो प्रेशराइज्ड होगा। वो फ्लूड है सबसे पहले इस एरिया में फिल होगा, इस खाली एरिया में। उसके बाद ये इस फ्लूड को, मैनोमेट्रिक फ्लूड को धकेलने की कोशिश करेगा। जो मैनोमेट्रिक फ्लूड है वो नीचे जाएगा और यहाँ पे हमें एक राइज देखने को मिलेगा। अब ये तो बहुत ही सिंपल बात हो गई, जैसे हम यूट्यूब मैनोमीटर में भी कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है। देखो क्या होता है कि जैसे ही इसमें फ्लूड आया तो जो चेंज आता है इसकी हाइट में वो बहुत बहुत माइनर होता है। मतलब ये मान लीजिए कि डेल्टा एच के बराबर होता है, और जितनी भी मेजर बुक्स हैं फॉरेन ऑथर्स की, इंडियन ऑथर्स की, ये इस डेल्टा एच को
नेगलेक्ट करके चलती हैं। इट मीन्स जो डेल्टा एच की वैल्यू वो लेके चलते हैं, वो लेके चलते हैं जीरो। लेकिन हमें ये तो पता है कि इस रिजर्वायर में जरा सा भी अगर चेंज हुआ तो इस ट्यूब में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाना है। तो बेसिकली हम राइट हैंड साइड वाली रीडिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली रीडिंग है उसकी। सपोज कीजिए जो मैनोमेट्रिक फ्लूड है ये राइज कर गया किसी हाइट H2 तक, और जो फ्लूड इस पाइप से आ रहा था उसकी हाइट थी H1। तो अभी मैं अभी के लिए मानूं कि जो डेल्टा एच की वजह से जो हमारा लिक्विड नीचे गया होगा वो कुछ इस हाइट पे गया होगा। अब ये वाली जो लाइन है वो मेरी रेफरेंस लाइन हो जाएगी। ये वाला जो रीजन है ये भी कितना है, डेल्टा एच। इस रेफरेंस लाइन के परस्पेक्टिव में अगर हम अपनी कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या आएगा, पी जेड जो है वो प्रेशर होगा पाइप के अंदर प्लस रो, सपोज कीजिए जो फ्लूड है उसकी डेंसिटी है ρ1 और जो मैनोमेट्रिक फ्लूड है उसकी है ρ2। तो P2 प्लस ρ1 जी ये कितनी हाइट तक आ रहा है, H1 प्लस डेल्टा एच, दैट इज H1 प्लस डेल्टा एच। ये तो हो गया लेफ्ट लिम्ब की बात। अगर राइट लिम्ब की बात करें तो क्या होगा, ρ2 जी H2 प्लस डेल्टा एच। अभी ये जो डेल्टा एच है ये इतना स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू जितनी भी बड़ी बड़ी हमारे पास डायमेंशन हैं, चाहे आप H1 को देख लीजिए, H2 को देख लीजिए, तो डेल्टा एच बहुत ही छोटा महसूस होता है इन सभी डायमेंशन में। तो इसलिए हम डेल्टा एच को यहाँ पे जीरो कर देते हैं। तो अगर टोटल कैलकुलेशन हम यहाँ पे करें तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज पी जेड प्लस ρ1 जी H1 ओनली क्योंकि डेल्टा एच को नेगलेक्ट कर दिया इज इक्वल टू ρ2 जी H2। यहाँ पे भी हमने डेल्टा एच को नेगलेक्ट कर दिया, मतलब इस टर्म को और इस टर्म को। तो जो पी जेड की वैल्यू आएगी वो आएगी ρ2 जी H2 माइनस ρ1 जी H1, सिंपल एज दैट। अब क्योंकि हमने यहाँ पे लेफ्ट लिम्ब की जो रीडिंग है उसको काउंट में नहीं लिया तो हम एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने से बच गए जो हम YouTube मैनोमीटर में नहीं बच पाते थे, क्योंकि वो जितना नीचे जा रहा है उतना ही वो ऊपर भी जाता था। इन द एंड हमें दोनों साइड की रीडिंग लेनी पड़ती थी, तो ये इसका एक एडवांटेज है। अच्छा, अब इस मैनोमीटर में एक बात और है, अगर मैं इसकी राइट लिम्ब को इंक्लाइंड कर दूं किसी एंगल पे तो जो इसकी रीडिंग है वो और प्रिसाइज आएगी। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर मैंने इसको इंक्लाइंड कर दिया तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैं सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सपोज करते हैं इस ट्यूब की जो लेंथ है वो है एल, और जो इसका एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से वो बन रहा है थीटा। अब देखो जो प्रेशर है वो तो सिर्फ हाइट पे ही डिपेंड करता है। अब अगर आप ये सोचो कि ट्यूब को स्लांट करने से जो रीडिंग है उसमें फर्क पड़ेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा जो प्रेशर है वो वर्टिकल हाइट पे ही डिपेंड करता है। अब बेशक मैंने इस ट्यूब को स्लांट कर दिया लेकिन जो फ्लूड है वो एच हाइट तक ही रीच करेगा, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो प्रेशर है वो शेप या साइज पे डिपेंड नहीं करता, या कैसा भी है, स्लांट है, वर्टिकल है, कॉनिकल है, डिपेंड नहीं करता। वो सिर्फ एक हाइट एच तक रीच करना चाहता है और वो यहाँ पे भी रीच कर जाएगा। सपोज कीजिए वो फ्लूड जो है वो यहाँ तक पहुँच पाता है हाइट एच तक। अब इसमें और वर्टिकल ट्यूब में क्या डिफरेंस है, देखो जो भी मैन्युफैक्चरर ये ट्यूब बनाएगा ना उसका ना अपना एक स्केल होगा। अब वो स्केल कुछ भी हो सकता है, इंचेस, फीट, या उसका अपना कोई भी स्केल हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरर। लेकिन अब जब हम इस ट्यूब को काम में लेंगे तो हम कोई स्केल लेके इसकी वर्टिकल हाइट को नहीं नापेंगे, हम सिर्फ देखेंगे कि इस ट्यूब के स्केल के हिसाब से वो कितनी हाइट पे रीच कर पाया, मतलब हम एल की वैल्यू को देखेंगे। उसके बाद हमें ये तो पता ही होगा कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका एंगल कितना है, तो हम उस एंगल और उस लेंथ का यूज करते हुए एक रिलेशन निकालेंगे एच के साथ। अल्टीमेटली तो हमें वर्टिकल हाइट ही चाहिए ना, तो अगर हमें साइन थीटा का रिलेशन यहाँ पे लगाऊं तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज एच अपॉन एल। और यहाँ पे अगर मैं एच की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, एल साइन थीटा। तो सिंपली अगर अब आपको यहाँ पे प्रेशर निकालना है तो रो जी एल साइन थीटा से हम यहाँ पे प्रेशर निकाल सकते हैं कि कितना प्रेशर उससे आ रहा है। ये बहुत ही सिंपल है। अब एक फैक्ट यहाँ पे और आता है, एच बाय एल जो है वो है साइन थीटा के इक्वल, और अगर मैं एल की वैल्यू निकालूं क्या आएगी, एच इंटू 1 बाय साइन थीटा। इट मीन्स अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में बढ़ाता हूं तो जो साइन थीटा की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। अब अगर साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो वैल्यू है ये घटेगी, और ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये भी घटेगी। अगर ये घटेगी तो एल की वैल्यू भी कम हो जाएगी। मतलब हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा यहाँ पे बढ़ेगा तो ये जो एल है ये वर्टिकल की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देगा और जो इसकी लेंथ है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर मैं थीटा को कम कर दूं तो जो लेंथ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखो जब लेंथ बढ़ जाएगी तो जो स्केल है वो भी एक्सपेंड कर जाएगा,
तो मतलब मैं और प्रिसाइज रीडिंग ले सकता हूँ। मतलब अगर वर्टिकल ट्यूब में मुझे 76 सेंटीमीटर्स रीडिंग आ रही थी तो इस ट्यूब में शायद मेरी रीडिंग और प्रिसाइज हो जाए, मतलब या मुझे 75.8 या 76.2 हो सकती थी। मतलब वो वर्टिकल ट्यूब से मुझे पता चल सकता है कि कितनी प्रिसाइज रीडिंग और मैं ले सकता हूँ। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, इस ट्यूब की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ती चली जाएगी, फ्लूइड जो है वो और जल्दी रिफ्लेक्ट करेगा रीडिंग को। तो इसी वजह से हम इस 1/sin थीटा को सेंसिटिविटी फैक्टर भी कहते हैं। ये डिसाइड करता है हमारी ट्यूब की सेंसिटिविटी को। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये जो PDF है ये आपको बेटर फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। अभी मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में इसी तरीके से लिखता हूँ वीडियोस बनाने के टाइम, लेकिन उसके बाद मैं इस ट्यूब को और ऑर्गेनाइज करता हूँ। कुछ पॉइंट जो मेरे से वीडियो में मिस हो जाते हैं वो इसमें ऐड करने की कोशिश करता हूँ, और जो PDF है वो आपको नीचे से डाउनलोड करने को मिल जाएगी। इससे पहले वाले चैप्टर की जो PDF है वो भी बिल्कुल फ्री है, उसको भी आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने GATE IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।